बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पीरियोडिक टेबल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। हाइड्रोजन को बेटा प्लेस किया जा सकता है फर्स्ट ए ग्रुप में भी, फोर्थ ग्रुप में भी और सेवन्थ ग्रुप में भी। कुछ सिमिलैरिटीज, सर्टेन सिमिलैरिटीज की बेस पे इसको फर्स्ट है, फोर्थ है और सेवन्थ है। मतलब अल्कली मेटल्स कार्बन फैमिली या हैलोजेंस के अंदर जो है, हैलोजेंस वाले ग्रुप में इसको क्या किया जा सकता है, प्लेस किया जा सकता है। बट ड्यू टू सर्टन डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस की वजह से इसकी पोजीशन को डिसाइड करना कि इसको फर्स्ट ए में रखा जाए, फोर्थ ए में प्लेस किया जाए या सेवन्थ ए ग्रुप में इसको प्लेस किया जाए, ये डिफ़िकल्ट है। तब फिर भी जनरली हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में जो है क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। अब हम वन बाय वन हर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मैटर्स के साथ हमने हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को पढ़ना है। तो सिमिलैरिटीज देखते हैं। पहली जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, हाइड्रोजन और अल्कली मैटर्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस आर्बिटल के अंदर होता है। वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस आर्बिटल जो है वो मौजूद होता है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है, वन एस वन। और इसी तरह से अल्कली मैटर्स के अंदर लिथियम मौजूद है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे जो हैं अल्कली मैटर्स हैं। लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हैं वन एस टू, टू एस वन, तो इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो कहाँ मौजूद है, एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है जी, एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और अल्कली मैटर्स का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होता है, एस ऑर्बिटल के अंदर। ये फर्स्ट सिमिलैरिटी है। सेकेंड सिमिलैरिटी देखते हैं, बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली जो मेटल्स हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनो पॉजिटिव आयन बनाती है। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, चाहे सोडियम है, लिथियम है, पोटासियम है, सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। दो सिमिलैरिटीज़ को हमने पाल लिया है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और अल्कली मैटर्स का एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है, और हाइड्रोजन और अल्कली मैटर जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। थर्ड में हम डिस्कस करते हैं, दोनों जो हैं कंबाइनिंग टेंडेंसी रखते हैं हैलोजन्स के साथ। हैलोजन्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन शामिल होते हैं। हम एस्टाटीन को ज़्यादातर जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। हम ज़्यादातर किन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। दोनों हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल्स भी, या हाइड्रोजन हैलोजेंस के साथ जैसे HCl, HBr, ये हैलोजेंस के साथ कंबाइनिंग टेंडेंसी रखता है हाइड्रोजन, और इसी तरह से अल्कली मेटल चाहे सोडियम है, हैलोजन के साथ मिलके क्या बना देता है, आयनिक कंपाउंड बना देता है, NaCl, पोटासियम ब्रोमाइड, ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। जो अल्कली मेटल्स हैं हैलोजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है जी, दोनों के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कली मैटर्स के भी आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है या पोटासियम ब्रोमाइड है, जब वाटर में इनको डिजॉल्व करते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स के अंदर। इसी तरह से हाइड्रोजन का जो आयनिक कंपाउंड होता है, हाइड्राइड होते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स के अंदर। दोनों के आयनिक कंपाउंड जो हैं वाटर के अंदर आयोनाइज होके क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब यही है कि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। फिफ्थ के अंदर हम डिस्कस करते हैं जी, जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है वाटर की, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनते हैं।
इसी तरह से जब अल्कली मेटल सार्स के इलेक्ट्रोफ्यूज्ड सार्स की जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इसमें भी प्रोड्यूस होते हैं, उसमें भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है ये हमेशा किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में की जाती है जिसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं, और जो पॉजिटिव आयन है ये हमेशा कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव आयन हमेशा कहाँ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो अल्कली मेटल जो आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स हैं, ये कैथोड पे जाके क्या बना देते हैं, मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल आयन्स कन्वर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर, मेटल के अंदर, यानी इनकी क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। पॉजिटिव आयन्स कैथोड की तरफ जाते हैं और रिड्यूस होकर क्या बना देते हैं, मेटल बना देते हैं, मेटल एटम्स बना देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अब हम डिफरेंसेस में आते हैं, तो डिफरेंसेस क्या हैं बेटा, इंतहाई आसान है। हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, जबकि जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। हाइड्रोजन जो है ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पाई जाती है, यानी हमने फिजिकल स्टेट को डिस्क्राइब किया है और इनकी नेचर बताई है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, और जबकि फर्स्ट ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको वन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हीलियम की तरह डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जी, एक इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होता है, एक और इलेक्ट्रॉन इसको नीडेड है, इसलिए ये अपना डुप्लेट रूल कैसे कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। इसी तरह से जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, तो ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, सेवन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अल्कली मेटल नीड्स सेवन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। पहले हमने नेचर बताई है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में पाई जाती है, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, अल्कली मेटल नीड्स सेवन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन जो है डाईएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि अल्कली मेटल्स जो हैं ये डाईएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जो मेटल आयन ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन आयन है ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए फॉरन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। मतलब मेटल आयन जो हैं सॉल्यूशंस के अंदर स्टेबल होते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर अनस्टेबल होता है और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए फॉरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये हमने स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है। और दोनों जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना सकते हैं, मोनो पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है उतना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता जितना आसानी के साथ जो है अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दोनों मोनो पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, जबकि मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अल्कली मेटल्स जो हैं जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सोडियम जो है हैलोजेंस के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड बना रहा है, पोटासियम ब्रोमाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। जबकि हाइड्रोजन जनरली क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है।
HCl कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, मीथेन जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजन जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, जबकि अल्कली मैटर्स जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। डिफरेंसेस आसान है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ मैं कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, आपने मेरे साथ रिपीट करना है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जबकि फर्स्ट एक ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इनके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इन्हें 7 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड होते हैं। ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मेटल आयंस एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर स्टेबल होते हैं, और जबकि जो हाइड्रोजन आयन है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये स्टेबल नहीं होता, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोजन भी और अल्कली मेटल भी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बट हाइड्रोजन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन सो इजीली एज अल्कली मेटल। जितना आसानी से मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उतना आसानी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अल्कली मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाती है, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती है। अब हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस का आपको पता है, फिर रिपीट कर देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ठीक है जी। इसके अलावा एस्टाटीन है, हम किसके साथ ज़्यादातर किन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ की जानिब जाते हैं, सिमिलैरिटीज़ इंतहाई आसान है बेटा। आपको पता है हाइड्रोजन जो है ये गैसीय स्टेट में पाई जाती है, और जो हैलोजेंस हैं, मोस्ट ऑफ द हैलोजेंस जो हैं जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये गैसीय स्टेट में पाई जाते हैं। तो ये सिमिलैरिटी होगी, हाइड्रोजन भी गैस है और हैलोजेंस के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और जो आयोडीन है ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। हमने सिमिलैरिटी को याद करना है, तो सिमिलैरिटी क्या है, हाइड्रोजन एंड मोस्ट ऑफ द हैलोजन एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसीय स्टेट, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, दोनों जो हैं डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले भी बता चुका हूँ, डुप्लेट को मुकम्मल करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और जो हैलोजेंस होते हैं जिनको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके वैलेंस शेल में, क्योंकि ये सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, 1 इलेक्ट्रॉन इज़ नीडेड टू कम्प्लीट देयर वैलेंस शेल। इट्स ओके, आसान है ना। हाइड्रोजन और हैलोजेंस को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। दोनों जो हैं, हाइड्रोजन भी और हैलोजेंस भी, ये क्या करते हैं, स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनाती है, ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड। हैलोजन जो है अल्कली मेटल के साथ मिलकर हैलाइड्स बनाते हैं, ये भी क्या हैं, आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों जो हैं स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और दोनों के अंदर टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, लूज भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है। यहाँ हम हैलोजन के साथ सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, हैलोजन्स की तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देती है, यूनी नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो हाइड्राइड आयन, हैलोजन्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्लोरीन है या फ्लोरीन है या ब्रोमीन है, वो जब एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या बना देते हैं, हैलाइड्स बना देते हैं। क्लोरीन से क्लोराइड बनेगा, फ्लोरीन से फ्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनेगा। ये 5 सिमिलैरिटीज़ हमने पढ़ी हैं। हाइड्रोजन और हैलोजन्स जो हैं ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीडेड है टू कम्प्लीट देयर वैलेंस शेल, और दोनों जो हैं आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं,
और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो बेटा अब हम डिफरेंसेस में आते हैं। डिफरेंसेस भी इंतहाई आसान हैं। इनके वैलेंस शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हैलोजन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट डिफरेंस क्या पड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं हैलोजन्स की और हाइड्रोजन की, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और हैलोजन्स के वैलेंस शेल में क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब बेशक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लें, हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर 1s1 और फ्लोरीन का अटोमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 4 हो गए, बाकी कितने रह गए हैं? 2p5। तो ये वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड है। सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 and 2 7। इनके वैलेंस शेल में, हैलोजन्स के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 7। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी, फर्स्ट जो डिफरेंस है आपको याद हो जाना चाहिए। और जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर स्टेबल कंपाउंड बनाती है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाती है, ये स्टेबल कंपाउंड है। जबकि जो हैलोजन्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक हो गया। और जो हाइड्रोजन के जो आयनिक कंपाउंड होता है, यानी जो हाइड्राइड्स होते हैं, ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, जबकि जो हैलोजेंस जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है या पोटाशियम क्लोराइड है, ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। हाइड्रोजन के आयनिक कंपाउंड्स स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, जबकि हैलोजेंस के जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब इसका जो फोर्थ सिमिलैरिटी है वो क्या है जी? कि हाइड्रोजन जो है, सॉरी डिफरेंस पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनोपॉजिटिव आयन बना सकती है, जबकि हैलोजन जो हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन नहीं बना सकते। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं हैलोजन्स, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। ये नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। और जो हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है हाइड्राइड आयन बन जाता है। ये जो हाइड्राइड आयन है ये अनस्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए ये फौरन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? ये बन गया जी H2 और बाकी क्या रह गया? OH नेगेटिव, हाइड्रॉक्सिल आयन जो है ये। जबकि जो हैलाइड आयन है, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, ये हमने वाटर में डाल दिया, तो वाटर के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये मौजूद होते हैं। ये जो हम टैप वाटर या वाटर पंप से जो हम पानी निकालते हैं, जो यूज़ करते हैं, उनके अंदर जो हैं वो साल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं और उन जो आइंस हैं साल्ट्स के, उस सॉल्यूशन के अंदर जो हैं, पानी के अंदर जो हैं क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, ठीक है जी। हैलाइड आइन जो हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल हैं, जबकि हाइड्राइड आइन जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या है? अनस्टेबल है। डिफरेंसेस को दोहरा देता हूँ। डिफरेंसेस में हमने पढ़ा उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हाइड्रोजन जो है वो क्या बनाती है? स्टेबल कंपाउंड बनाती है, जैसे वाटर है, जबकि हैलोजन्स ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स नहीं बना सकते। हाइड्रोजन के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, यानी जो हाइड्राइड्स हैं, ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। हैलोजन्स के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकती है, जबकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन नहीं बनाते। हाइड्राइड आयन स्टेबल अनस्टेबल है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना देता है और हाइड्रॉक्सिल आयन बना देता है। और जबकि हैलाइड आयन जो हैं एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए हैलोजन्स के साथ। अब हमने जो है फोर्थ ग्रुप के साथ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़ने हैं। बेटा तवज्जो रखनी है, आप तवज्जो रखेंगे तो चीज़ें आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। दोनों के वैलेंस शेल जो हैं ये क्या होते हैं? हाफ फिल्ड होते हैं। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, ये देखें इसके पहले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होने कितने चाहिए डुप्लेट रूल के मुताबिक? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। अगर हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की, जैसे कार्बन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 एंड
एन टू पी टू। तो वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके वैलेंस शेल में यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हैं कितने? 4 हैं। तो दोनों के जो वैलेंस शेल हैं ये क्या हैं जी? हाफ फिल्ड है। और दोनों हाइड्रोजन है या फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। मैंने क्या कहा? हाइड्रोजन और फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे कंबाइन होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ मीथेन के अंदर कैसे कंबाइन है? कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। और जो हैलोजेंस हैं ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के साथ हैलोजन यानी क्लोरीन कैसे कंबाइन है? कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। हैलोजेंस भी फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं कार्बन है सिलिकॉन है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स भी दूसरे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं, और हाइड्रोजन भी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन होती है? कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होती है। हाइड्रोजन एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, बोथ हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है, जैसे फोर्थ ग्रुप का जो कार्बन है ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। इस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को समझने के लिए अगर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो ये वाली बात भी, ये प्रॉपर्टी भी हमें आसानी से समझ आ जाएगी। देखें ऑक्सीडेशन बेटा क्या है? ऑक्स से पता चल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसके उलट है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। ज़रा गौर करें, हाइड्रोजन जो है मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को निकाल के वाटर बना देता है और मेटल प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन निकाल के वाटर बनेगा और मेटल जो है ये प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीजन के निकलने को क्या कहते हैं जी? रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन ने मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करके मेटल बना दिया। इसी तरह से कॉपर की भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ये मेटल ऑक्साइड्स की रिडक्शन करता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और उसकी रिडक्शन करके मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करके क्या बना देगा? टिन ऑक्साइड की रिडक्शन हुई तो क्या बना? टिन बना। यानी दोनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं दोनों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दोनों मेटल ऑक्साइड्स की रिडक्शन करके उनमें से ऑक्सीजन को निकाल के क्या बना देते हैं? मेटल्स बना देते हैं। जो किसी दूसरी शय की रिडक्शन कर दे उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करें, इसलिए हम कह रहे हैं बोथ हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन एंड कार्बन हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसकी 3 सिमिलैरिटीज़ हमने डिस्कस करनी है। दोनों के वैलेंस शेल हाफ फिल्ड होते हैं, दोनों दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। अब डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नीडेड हैं। हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स वैलेंस शेल एंड फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं वो नीड करते हैं, नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन जो है आपको पता होनी चाहिए ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है, जबकि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये सेकंड डिफरेंस हमने पढ़ा। अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जैसे कार्बन और सिलिकॉन हैं ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, जबकि हाइड्रोजन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बन एंड सिलिकॉन हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। व्हाट इज़ कैटिनेशन? जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जैसे हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन आपस में लिंक्ड होकर लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, या क्या बना देते हैं? रिंग्स बना देते हैं। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो हैं वो लॉन्ग चेन्स बना देती हैं या रिंग्स बना देती हैं।
इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी पाई जाती है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक हो गया, ये थ्री जो हैं, तीसरा हमने डिफरेंस डिस्कस किया है। फर्स्ट डिफरेंस में हमने कहा इसको वन इलेक्ट्रॉन नीडेड है, फोर्थ ग्रुप को फोर इलेक्ट्रॉन्स नीडेड हैं वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैसियस है, जबकि बाकी जो अल्कली मैटर्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस में हमने कहा कार्बन और सिलिकॉन जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, हाइड्रोजन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अब लास्ट जो डिफरेंस है वो क्या है जनाब, फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये मोर देन वन एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। जैसे ये देख लें आप, मीथेन के अंदर कार्बन जो है ये क्या करता है, फोर हाइड्रोजन एटम के साथ जो है ये कंबाइन है। ठीक हो गया, और कार्बन जो है जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया इसने, ये CHCl3 क्लोरोफा, इसमें टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी मौजूद है क्लोरीन भी मौजूद है, यानी मोर देन वन एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हाइड्रोजन एक वक्त में एक एलिमेंट के साथ क्या हो सकती है, कंबाइन हो सकती है। ओके, अंडरस्टैंड, आसान है ना, केमिस्ट्री है ये आसान। अब हम लास्ट में कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं, डिफरेंसेस को आपने जो है पढ़ लिया समझ लिया, हमने तीनों ग्रुप्स के साथ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़े हैं। फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ी, डिफरेंसेस भी पढ़े, फोर्थ ग्रुप के साथ भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़े हैं, इसी तरह से सेवंथ ग्रुप के साथ भी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पढ़े हैं। तो लास्ट में हम क्या कंक्लूजन्स ड्रा कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ की वजह से और मोनोवेलेंट नेचर रखने की वजह से हाइड्रोजन को जो है पीरियाडिक टेबल के अंदर अल्कली जो मेटल्स हैं उनके ऊपर प्लेस किया गया। फर्स्ट ए ग्रुप अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को रखा गया फर्स्ट ए के ऊपर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसके ऊपर हाइड्रोजन को क्या किया गया, प्लेस किया गया है। रीज़न क्या, हमने कंक्लूजन्स क्या हमने ड्रा किया, ड्यू टू सिमिलैरिटीज एंड मोनोवेलेंट इन नेचर हाइड्रोजन इज प्लेस अबव द फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, अल्कली मैटर्स के ऊपर इसको क्या किया गया, प्लेस किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। दैट्स इट, थैंक यू।